हेलो स्टूडेंट, हस्तेश्वर माध्यमिक शाला आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। आजनो आपनो विषय छे इंग्लिश ग्रामर अने तेनो टॉपिक छे कंजक्शन्स एक्सरसाइज। हवे काले आपणे कंजक्शन्स भण्या, तेने डिटेल मां पण जोयो, तेना उदाहरणों पण जोया, तेनो अर्थ पण जोयो। हवे ते केवी रीते खाली जग्या अने सेंटेंस में यूज थाय छे अने कई रीते मीनिंगफुल सेंटेंस बने छे ते आपणे आजे जोईशुं। काले जे स्क्रीन पर जोवाय छे ए मैं तमने होमवर्क में आप्युं हतुं के आ सोल्व करजो तमे जाते। आशा राखू छूं तमे सोल्व करी ज हशे। तो चलो आजे आपणे साथे मळीने एने सोल्व आउट करिए। तो काले आपणे पांच खाली जगह जोई थी, छठी जोईए तो इट इज अ हॉट, खाली जगह सनी टूडे, तो इट इज अ हॉट एंड सनी टूडे। सातमू आई हैव डूइंग एक्सरसाइज, खाली जगह प्ले स्पोर्ट, तो आई हैव डूइंग एक्सरसाइज एंड प्ले स्पोर्ट। आठमी खाली जगह छे वेन इट सनी आई कैन वॉक, खाली जगह गो टू स्कूल बाय बाइक, तो शू है आई कैन वॉक और गो टू स्कूल बाय बाइक ऑप्शन दर्शावे छे, बराबर छे। त्यार पछी आपने आपी छे बीजी खाली जगह जो ये नीचे रीड एंड मैच, बराबर छे। तो रीड एंड मैच में शू है तो प्रथम छे माय फ्रेंड ऑलवेज प्ले ध गिटार, बराबर छे। तो एमा शू आवशे तो मारो फ्रेंड ऑलवेज एटले दररोज गिटार वगाड़े छे। तो बट इट्स साउंड इज टेरिबल, बराबर छे। तो आ आवशे, बराबर। त्यार पछी बीजू छे माय ब्रधर इज गुड एट फ्लाइंग काइट्स, मारो भाई पतंग उड़ावामां माहिर छे, बराबर छे। तो बीजू सेमा आवशे तो बट, तेनी सामेवाळुं छे बट ही इज नॉट गुड एट बास्केटबॉल। माय डेड ड्राइव्स मी टू स्कूल, तो एमां शुं आवशे ओर आई टेक ध बस लास्ट, बराबर छे। अहीं लास्ट वालू आवशे आजे दर्शावाय छे ए। त्यार पछी आई हेल्प माय मॉम कूक डिनर, हूँ मारा मधर ने जमवानू बनावामां, सांजनू जमवा बनावामां हेल्प करूँ छूँ। तो एंड हेल्प हर डू ध डिशीस, तो शू वपराशे एंड। तो अहीं जोईए तो कंजक्शन वपराय छे एंड, पछी बीजा में बट, बराबर, त्रीजा में पण बट ने चौथा में अहीं ओर। तो आ रीते कंजक्शन्स वपराशे वाक्य ने जोड़वामां। अने आपणे काले जोयुं हतुं के कंजक्शन पहेला आगळना वाक्य में कोमा मूकूं, तो अहीं जो बधा वाक्य में पाछळ कोमा छे ज, छे ने। तो एवी रीते तमे कंजक्शनों वाक्य में उपयोग करी शको छो। आशा राखुं छुं बधाना साचा ज पड्या हशे। हवे आगळ जईए, वधु एक्सरसाइज जोईए, बराबर छे। तो पहला एक्सरसाइज जोईशुं फिल इन ध ब्लेंक्स यूसिंग ध कंजक्शन, एटले के जे ब्लेंक आपवामां आवी छे तेने सेना वडे फिलअप करो पूरो कंजक्शन, एटले के संयोजक वडे। तो स्क्रीन पर जोवाय छे खाली जग्याओ, बराबर छे। प्रथम खाली जग्या छे अकबर वॉज एंग्री, खाली जगह बीरबल वेंट होम, अकबर गुस्से थयो हतो, बीरबल घरे जतो रहे, बराबर। तो शू आवशे माटे, तो शू आवशे धेर फोर। प्रथम खाली जगह माटे, अकबर गुस्से थयो हतो माटे बीरबल घरे जतो रहे। बीजी खाली जगह छे इट वॉज वेरी हॉट, खाली जगह ध ट्रावेलर मू रिमूव्ड हिज कोट, इट वॉज वेरी हॉट, बहु गर्मी हती तेथी शू कर्यु मुसाफरोए तेमना कोट निकाली दीधा, तो
માટે તો સો એટલે અહીંયા માટેનો અર્થ શું થશે સો એટલે બીજી ખાલી જગ્યામાં શું આવશે સો ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે રાના વિલ ડ્રિંક ખાલી જગ્યા ટી ખાલી જગ્યા ઈટ બિસ્કિટ રાના વિલ ડ્રિંક રાના ચા પણ પીશે અથવા શું પીશે બિસ્કુટ ખાશે તો એમાં શું આવશે આઈધર ઓર બેમાંથી એક ઓપ્શન દર્શાવ હોય તો હંમેશા શું આવશે આઈધર ઓર બરાબર છે ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા છે યુ મસ્ટ સ્ટડી હાર્ડ ખાલી જગ્યા યુ ગેટ ગુડ માર્ક્સ તમે ચોક્કસ મહેનત વધારે કરશો તો તમને ચોક્કસ સફળતા મળશે તમારે સારા માર્ક આવશે તો શું આવશે સો ધેટ બરાબર છે કારણ દર્શાવવા માટે શું આવશે સો ધેટ જો તમે મહેનત વધારે કરશો તો તમારા સારા માર્ક આવશે ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા છે મીના વોઝ ટાયર્ડ ખાલી જગ્યા સી વોક્ડ હોમ મીના બહુ જ થાકી ગઈ હતી છતાં તે ઘરે ચાલીને ગઈ હતી તો તેમ છતાં પણ કાલે મેં કીધું હતું તો શું આવશે એના માટે યેટ શું આવશે યેટ તો મીના વોઝ ટાયર્ડ યેટ સી વોક્ડ હોમ ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા રમન વોઝ ઇલ હી વેન્ટ ટુ સ્કૂલ રમન બીમાર હતો તે છતાં પણ તે સ્કૂલ ગયો બરાબર છે તો છતાં પણ તો શું આવશે ધો શું આવશે ધો બરાબર છે ત્યાર પછીની છે રન ફાસ્ટ ખાલી જગ્યા યુ વિલ મિસ ધ બસ ઝડપી દોડો નહીંતર તમે બસ ચૂકી જશો તો વિકલ્પ દર્શાવ્યો છે કે ઝડપી દોડો નહીં તો બસ ચૂકી જશો બરાબર છે તો ઓર ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા છે રમેશ હેડ નો મની હી વોન્ટેડ આઈ એમ હેપ હી વોન્ટેડ ટુ સ્ટડી બરાબર છે તો શું આવશે રમન હેડ નો મની રમન જોડે પૈસા નહોતા હી વોન્ટેડ ટુ સ્ટડી પણ તે ભણવા માંગતો હતો તો એમાં આવશે તમારે છઠ્ઠી ખાલી જગ્યામાં તેમ છતાં પણ કીધું છે તેની પાસે પૈસા નહોતા છતાં પણ તે ભણવા માંગતો હતો તો શું આવશે ધો તેમ છતાં પણ ત્યાર પછીની ખાલી જગ્યા છે સાતમી એટલે નેક્સ્ટ ખાલી જગ્યા રન ફાસ્ટ સોરી અહીંયા આઈ એમ હેપી ખાલી જગ્યા યુ હેવ વોન ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ અહીંયા છે બરાબર છે તો આઈ એમ હેપી હું ખૂબ જ ખુશ છું ખાલી જગ્યા યુ હેવ વોન ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ કારણ કે તમે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ એટલે કે પહેલો નંબરથી ઇનામ જીત્યું છે તો એમાં શું આવશે બીકોઝ કારણ કે કારણ દર્શાવે છે ત્યાર પછી વિલ યુ હેવ ટી ઓર ખાલી જગ્યા કોફી તો શું આવશે ઓપ્શન દર્શાવી દીધો છે માટે શું આવશે ઓર તમે કોફી લેશો કે ચા લેશો બરાબર છે ઓપ્શન દર્શાવે છે ત્યાર પછી જ આવી તો ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ નેક્સ્ટ જોઈએ તો અહીંયા પ્રથમ છે યુ કેન ખાલી જગ્યા પ્લે ખાલી જગ્યા સ્ટડી બરાબર છે તો એમાં શું આવશે યુ કેન તમે રમો પણ છો અને ભણો પણ છો તો શું આવશે યુ કેન હવે સો ધેટ કારણ દર્શાવવા તો અહીંયા નાઇધર નો ઓપ્શન આપ્યો છે તો યુ કેન નાઇધર પ્લે નોર સ્ટડી એટલે તમે ભણતા પણ નથી કે રમતા પણ નથી એવું આવશે એનો અર્થ બરાબર છે ત્યાર પછી ધ ટીચર આસ્ક્ડ રોહન ટુ સ્ટેન્ડ અપ ખાલી જગ્યા રીડ ધ લેસન ટીચરે રોહનને કીધું ઊભો થા પૂછ્યું ઊભો થા અને લેસન વાંચ તો શું આવશે એન્ડ અને બરાબર જેવી રીતે તમે ગુજરાતીમાં ઉચ્ચારણ કરો છો અને વાક્ય જોડો છો એ પ્રમાણે સંયોજક મૂકી દેવાનું ત્યાર પછી ગ્રાન્ડફાધર કોલ્ડ મી ખાલી જગ્યા ટોલ્ડ મી અ સ્ટોરી દાદાએ મને બોલાવ્યો કેમ તો સ્ટોરી કહેવાય એટલે વાર્તા કહેવા માટે બરાબર તો શું આવશે ગ્રાન્ડફાધર એ મને વાર્તા કહેવા માટે
बोलाव्यो तो तेरमी खाली जग्या में एंड आवशे अने मने वार्ता टोल्ड मी अ स्टोरी मने वार्ता कीधी बराबर छे। त्यार पछी नेक्स्ट खाली जग्या इट इज रेनिंग द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। वरसाद पड़तो हतो छता पण चिल्ड्रन पार्क में रमता हता तो शू आवशे अल्दो तेम छता पण। त्यार पछी फिनिश योर लंच क्विकली खाली जगह यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी थी तमारू भोजन लंच पूरू करो नहीं यू विल बी लेट फॉर स्कूल तमे स्कूल माटे लेट थई जसो बराबर छे तो शू आवशे अदरवाइज नहींतर। सुमन विल गेट अप अर्ली खाली जगह सी केन स्टडी शू आवशे सुमन विल गेट अप अर्ली सुमन जल्दी थी उठसे सी केन स्टडी तो ते स्टडी करी सकसे बराबर छे तो एमां शू आवशे जो सुमन जल्दी उठी सकसे तो सो देट माटे ते स्टडी करी सकसे। सुनील वॉज एंग्री खाली जग्या ही लॉस्ट द मैच। सुनील घणो ज गुस्से थयो केम के ते मैच हारी गयो हतो तो कारण के तो शू आवशे बिकॉज। समझायुं आ रीते तमे खाली जग्या पूरी सको छो। नेक्स्ट खाली जग्या छे ए तमे तमारी जाते करी सको छो। हूँ तमने नेक्स्ट लेक्चर में आने समझावीश अने आम पण बधाज आपणे कंजक्शन सीखी गया छे तो तमे आसानी थी तेने क्लियर करी सकशो। त्यार पछी जोईए तो हवे न्यू फॉर्म जोईए तो जॉइन द सेंटेंस यूसिंग द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम धोज गीवन इन द ब्रेकेट। तो ब्रेकेट में आप्या हशे ते कंजक्शन चूस करीने पसंद करीने तमारे वाक्य ने जोड़वाना रहेशे। तो जोईए स्क्रीन पर तमने जोवाय छे वाक्य। प्रथम वाक्य छे नेहा इज डांसिंग। नेहा इज डांसिंग गीता इज डांसिंग। नेहा पण डांस करे छे अने गीता पण डांस करे छे तो शू आवशे एक ज क्रिया छे बराबर छे तो शू आवशे नेहा एंड गीता आर केम के बे थई गया माटे आर बहुवचन आर डांसिंग बराबर तो अहीं शू आवशे संयोजक एंड तो नेहा एंड गीता इज आर डांसिंग। त्यार पछी बीजू वाक्य छे अमित विल नॉट सी अ मूवी। अमित विल नॉट रीड अ बुक। अमित मूवी पण जोतो नथी के अमित बुक पण वाँचतो नथी तो बन्नेमांथी एक पण नहीं ए माटे तमने खबर ज छे तो शू आवशे नाइधर नोर। तो अमित विल नाइधर सी अ मूवी नोर रीड अ बुक। त्यार पछी त्रीजो सेंटेंस इट इज रेनिंग द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ध गार्डन। वरसाद पड़तो हतो अने बाळको शू करता हता गार्डन में रमता हता तो शू आवशे तो तीजानुं वाक्य शू जोड़ाशे पण तो इट इज पण एटले बट तो इट इज रेनिंग बट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ध गार्डन। त्यार पछी चौथी वाक्य छे द टीचर विल टीच मी लेसन। ध टीचर विल गीव नोट्स बराबर छे तो चौथामां शू आवशे टीचर मने लेसन पण भणावशे अने नोट्स लखवा पण आपसे तो द टीचर विल टीच द लेसन एंड गीव नोट्स अने नोट्स आपसे केम तो डायरेक्ट एंड वडे जोड्यू तो द टीचर ने विल सहायकारक क्रियापदे अगाउ आवी गयुं हतुं एटले बीजी वार एने लेवानी जरूर नथी। त्यार पछी पांचमू गेट रेडी फास्ट यू केन रीच स्कूल ऑन टाइम। जल्दीथी तैयार थाओ तो तमे स्कूल पर टाइमे पहोंची शकशो बराबर छे तो कारण दर्शक छे माटे शू आवशे सो धेट तो गेट रेडी फास्ट सो धेट यू केन रीच स्कूल ऑन टाइम। त्यार पछी छठ्ठू सेंटेंस छे जय इज टायर्ड ही इज वॉकिंग। जय थाकी गयो हतो ते चालतो हतो तो छठ्ठामां शू आवशे तेम छतां पण तेम छतां पाटे शू अटे येट आवशे तो जय इज टायर्ड येट ही इज वॉकिंग बराबर छे। आ रीते तमे वाक्यने
कंजक्शन्स द्वारा योग्य रूपे समझी अने जोड़ी सको छो। त्यार पछी सातमु सेंटेन्स छे यू केन वेइट हियर यू केन गो होम, का तो तू अहीं राह जोई सके छे अथवा घरे जई सके छे। तो शू आवशे ऑप्शन आपे छे के तू अहीं रही सके तो घरे जई सके तो ओर तो शू केवी रीते वाक्य जोड़ाशे यू केन वेइट हियर ओर गो होम। त्यार पछी आठमू छे डू नॉट प्ले आउटसाइड इट इज़ वेरी हॉट, बहार रमशो नहीं इट इज़ वेरी हॉट, आज बहु गर्मी छे, बराबर छे, बहु तापमान बहु छे, तो कारण दर्शावे छे केम रमवा ना पाड़े छे, तो बहार बहु गर्मी छे, वेरी हॉट एटले गर्मी छे, तो बिकॉज, तो डू नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, बराबर छे। त्यार पछी नवमू छे तारक शुड वर्क हार्ड ही विल नॉट सक्सेस, तारक खूब ज मेहनत करे छे छता पण ते सक्सेस थई सकशे थई शक्यो नहीं, विल नॉट सक्सीड, बराबर छे। तो शू आवशे तारक शुड वर्क हार्ड ओर एल्स, बराबर छे, ओर एल्स ही विल नॉट सक्सीड। त्यार पछी दसमू प्लीज टेल मी ट्रूथ द प्रिंसिपल विल पनिश यू, मेहरबानी करीने मने साचू के द प्रिंसिपल विल पनिश यू, प्रिंसिपल आचार्य तमने पनिश शिक्षा करशे, बराबर, तो मने साचू कही दे नहींतर आचार्य तने शिक्षा करशे, तो नहींतर माटे शू आवशे अधरवाइज, तो प्लीज टेल मी ट्रूथ अधरवाइज द प्रिंसिपल विल पनिश यू। त्यार पछीनुं वाक्य छे नितिन इज डिसअपॉइंटेड ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर ध मैच, नितिन व्यथित थई गयो हतो, माइंड थी निराश थई गयो हतो, केम के ते मैच माटे सिलेक्ट थयो नहोतो, तो शू दर्शावे छे कारण दर्शावे छे के ते व्यथित थई गयो हतो, दुखी थई गयो हतो, शाना माटे, तो मैच में तेने सिलेक्ट कर्यो नहोतो ते माटे, तो कारण माटे बिकॉज, तो नितिन इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर ध मैच। त्यार पछी बारमू वाक्य छे मधर विल प्रिपेर स्वीट्स, मधर विल बेक अ केक, तो शू आवशे मधर को तो शू करशे स्वीट्स एटले मिठाई बनावशे का तो केक बनावशे, बराबर छे, तो बेमांथी एक ऑप्शन छे, माटे शू आवशे मधर विल आइधर प्रिपेर स्वीट ओर बेक अ केक, बन्ने मांथी एक बनावशे, माटे शू आवशे आइधर ओर। त्यार पछी लास्ट तेरमू इट वॉज वेरी डार्क केतन कंटिन्यूड टू वॉक ऑन द डेजर्ट रोड, बहु ज अंधारू हतुं तो पण केतने शू कर्युं ए रोड पर चालवानुं राख्युं, तो शू आवशे धो तेम छता पण, बराबर छे, तमे विचारी सको छो, बराबर छे, तो शू आवशे धो इट वॉज वेरी डार्क केतन कंटिन्यूड टू वॉक ऑन द डेजर्ट रोड, बहु ज अंधारू हतुं तेम छता पण केतने त्यां चालवानुं चालू राख्युं। आ रीते तमे योग्य कंजक्शन्सनो उपयोग करी योग्य ट्रांसलेट करी अने तमे समझी सको छो, बराबर छे, तो प्रेक्टिस ज्यांथी पण मळे एक्सरसाइज करता रहेजो, नहीं समझण पड़े तो मने अवश्य पूछजो, पर्सनली पण पूछी सको छो मेसेज करीने, तो हूँ तमने अवश्य जवाब आपीश। त्यार सुधी लेक्चर जोता रहो अने नोट डाउन करता रहो, त्यार सुधी थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, हैव अ गुड डे स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड।